स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सीजीआई को आगे ले जाते हुए गेम डेवलपमेंट के बारे में। ये काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया था, तो समझिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 3D वीडियो गेम्स के बारे में। तो ये समझिए 3D वीडियो गेम का जो डिपार्टमेंट है ये अभी बहुत बड़ा है, यानी कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा टर्नअराउंड होता है, यानी कि कितने करोड़ अरब रुपया इसमें लगता है, कितना का प्रॉफिट लॉस होता है, ये बहुत बड़ा है। मतलब लोग जनरली उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन एग्जाम्पल के लिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एक गेम पर इन्वेस्ट किया था डेस्टिनी करके, बंजी स्टूडियो के द्वारा, वो गेम का कीमत, उसे ट्रिपल ए क्लास में कहा जाता है, वो दाम था $500 मिलियन। यानी कि जनरली सिर्फ इक्का दुक्का पिक्चर इतना बजट पे जाता है, जैसे कि हो गया आपका एवेंजर्स एंड गेम। तो समझिए पैसा के मामले में बहुत पैसा लगता है। और इसके तीन मेन एवेन्यूज हैं, पीसी है, कंसोल है, मोबाइल है। यहाँ तीन ये मार्केट प्लेस हो गए जहाँ पे ये बेचा जाता है। और ये समझिए कि पैसे के मामले में ये इतना बड़ा असर कर सकता है कि जितना ऑयल एंड गैस ये सब का है उतना ही इसका वैल्यू हो जाता है। और टेक्निकली स्पीकिंग मतलब, और अगर आपका स्किल है, टैलेंट है, तो आप एक आदमी पूरा वीडियो गेम बना सकता है, असंभव नहीं है। और ये समझिए कि काफ़ी लोग कर चुके हैं कि छोटे छोटे गेम बनाए और काफ़ी अच्छा खासा सक्सेस पा गया लाइफ में, मतलब नाम भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, काफ़ी लोग का हो चुका है। मैंने नीचे टॉप 10 दे दिया जो लोग काफ़ी बम बम सक्सेसफुल हुए हैं। तो अब बात करते हैं गाड़ी खुलती कहाँ से। गाड़ी खुलती है मेश से। मेश किससे बना होता है, इसलिए मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया वर्टेक्स, एज और ट्राइंगल का। तो यहाँ पर हम लोग को दो औजार चाहिए होते हैं खासतौर पर, एक होता है 3D औजार, एक होता है 2D औजार। तो आप बोलेंगे मैं 3D गेम में 2D का क्या जरूरत है। बात है हम लोग जो भी मेश बनाते हैं उसको रंगाई पोताई करने के लिए 2D में किया जाता है। तो 3D में आपके पास मतलब गेम आजकल ज्यादा यूज होता है माया, फिर दूसरा एक ऑप्शन है 3ds Max, फिर आप बोलोगे यार ये सब लाखों लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है, मुझे फ्री में कुछ चाहिए, ब्लेंडर आपको मिल जाता है। फिर 2D में फोटोशॉप से तो कुछ बड़ा है नहीं, लेकिन मतलब आप उसमें भी चाहते हो कि फ्री में कुछ मिल जाए, गिम्प एक जेन्युइनली काफ़ी अच्छा आउटपुट है। और ये दोनों ये मतलब ये औजार, एक 3D औजार, एक 2D औजार मिला के आपका स्टेप 1 बनता है। और यहाँ पे समझिए कि हम लोग ये दोनों से काफ़ी लोगों का काम हो जाता है, लेकिन काफ़ी केसेस में होता है कि यार थोड़ा कुछ और डालते हैं। जैसे कि आजकल आप कोई बड़े बड़े गेम देखते होंगे उसमें कैरेक्टर के मॉडल एकदम बम बम लगता है, लगता है किसी ने टाइम देके बनाया है। तो वो सब जनरली जी ब्रश में किया जाता है। करते क्या है कि वो जो ज्योमेट्री बनाई है, ज्योमेट्री को जी ब्रश में डालें, उसमें स्कल्प्ट करते हैं, और स्कल्प्ट करके एकदम डिटेल, महीन महीन डिटेल बनाता है, उसका टेक्स्चर बेक किया जाता है। तो ये भी लेते हैं, लेकिन इसका मुझे कोई फ्री अल्टरनेटिव है नहीं। ब्लेंडर एक तौर से कर सकता है जी ब्रश स्कल्पिंग जैसा काम, लेकिन उतना हाई एंड नहीं है। फिर टेक्सचरिंग जो कि सबसे ज़्यादा टाइम खाता है, उसको भी ऑटोमेट करने के लिए या उसको फाइन ट्यून करने के लिए काफ़ी सारे औजार हैं, जिसमें मेरा एक पसंदीदा औजार है सब्सटेंस का पूरा पैकेज, जिसमें सब्सटेंस डिजाइनर काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से ये हुआ स्टेप 1, आपने 3D ऑब्जेक्ट बनाया। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्टिव चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने स्टिल फोटो दे दिया, 3D मॉडल प्रिंट कर लिया, ऐसा नहीं, ये एक्टिव है, इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट है। तो इसमें हम लोग को रिगिंग और एनिमेशन किया जाता है। जब भी आप कुछ बना लेते हैं उसके बाद वो जाता है रिगिंग और एनिमेशन में। यहाँ पर हम लोग उसे जॉइंट देते हैं, लॉजिक देते हैं, और जैसे कि जनरली रिगिंग में बोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ये कैरेक्टर देख सकते हैं, तो कैरेक्टर गेम में चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसमें बोन्स दिए हुए हैं। ऑब्वियसली मतलब पूरा इंसान का बोन कॉपी नहीं किया जाता है, लेकिन कहाँ पर उसका हाथ मुड़ रहा है, कैसे मुड़ रहा है, वो सब के लिए बोन्स दिए जाते हैं, उसका स्किन कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सब देते हैं। और जितना सफाई से रिगिंग होगा उतना ज़्यादा एनिमेशन दे पाएंगे। आप पुराने गेम में देख सकते हो कि हाथ मतलब बस ऐसे ऐसे होता था, आजकल के में ऐसा ऐसा देख सकते हैं। पुराने गेम बहुत जैसे IGI में आपका हाथ में बस ऐसे ही था, क्योंकि वहाँ पर बोन्स ही नहीं थे, टेक्स्चर नहीं था, ना ही मतलब कंप्यूटेशनल पावर उतना था नहीं। अब है तो आप एकदम हाथ उत हो जाता है। तो बोन्स रोटेशन को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रेचिंग वर्चिंग को कंट्रोल करते हैं। तो मतलब लॉजिक मतलब आपका चीज़ इंटरेक्टिव बनाने के लिए रिगिंग पहले की जाती है। रिगिंग जब हो जाता है तब उसे एनिमेशन में एनिमेट किया जाता है, यानी कि जैसे बंदा चल रहा है तो जनरली किया क्या जाएगा, चलने का एक एनिमेशन बनाया जाएगा और वो गेम इंजन को दे दिया जाएगा। फिर वो गिर रहा है, गिरने के बाद जनरली दो ऑप्शन रहता है, या तो उसको आप एनिमेट करो कि वो कैसे गिरेगा, या उसे फिजिक्स इंजन को दे दो कि भैया फिर ये हमारा रिजिड है, मतलब ये हमारा बोन्स है, इस पर लॉजिक तुम लगाओ और तुम स्टिमुलेट करो कि कैसे वो गिरेगा। तो उससे काफ़ी इंटरेक्टिव हो जाता है कि मतलब दाएं से भिड़ा है गेम में तो बाएं गिरेगा और इसका उल्टा होगा। एनिमेशन में प्रॉब्लम हो जाता है कि वो हमेशा एक ही जैसा जेनेरिक जैसा फील आएगा, हमेशा एक ही जैसा कर रहा है। तो ये सब किया जाता है। आपने मतलब ये लिया मेडल मॉडल उठाया, मॉडल के ऊपर आपने बोन्स ला लिए, बोन्स पर रिगिंग कर दिया, उसके बाद एनिमेशन बनाया, एनिमेशन की फ्रेम में स्टोर कर लिया। अब ये जाएगा गेम इंजन में और यहीं सब चीज़ शुरू होता है। हमारे रिलेटिव के बच्चों ने पूछ रहे थे मुझे वीडियो गेम बनाना, मैंने बोला
किसमें बनाओगे, मतलब एक्शन गेम बनाएगा मतलब किसमें बनाओगे, ये ऐसा होगा कि आपसे कोई पूछ रहा खाना बनाना, मैं पूछ रहा हूँ किचन कहाँ है, तो वही समझिए गेम इंजन सारा खेला करता है। गेम इंजन का मेन अगर आप समझना चाहते हैं कि उसका काम क्या है, उसका काम है एसेट को लॉजिक के साथ मिक्स करना। एसेट में क्या होता है, एसेट में होता है आपका ऑडियो क्लिप्स, जो मतलब आप वेपन का साउंड देखते हैं, गाड़ी का साउंड देखते हैं, कैरेक्टर का स्पीच देखते हैं, वो सब एसेट हुआ, वो सब हुआ ऑडियो में। फिर वीडियो होता है कई जगह पर कट सीन रेंडर किए जाएंगे कहीं और से, वो सब हो गया। फिर 3D एसेट जो आप बनाए हैं कि मतलब इसमें ये शिप होगा, इसमें ये टैंक होगा, जो भी चीज़ आप बनाए हैं, फिर ये सब सिर्फ ऐसे। तो अभी तक आप सिर्फ एनिमेशन मूवी जितना ही काम कर रहे हो, अब इसमें जान डालने के लिए स्क्रिप्टिंग और फिजिक्स लगाई जाती है। स्क्रिप्टिंग और फिजिक्स करने के लिए एक ये गेम इंजन ज़रूरी होता है। तो गेम इंजन के मामले में दो गेम इंजन काफ़ी पॉपुलर है। एक इंजन है जैसे कि यूनिटी 3D, फ्री है, और अनरियल ये भी फ्री है। बस ये बात समझिए कि ये दोनों गेम इंजन का लॉजिक ये है कि अगर आप बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, ये लोग हाथ नहीं मारेंगे, लेकिन ज़्यादा कमाने लग गए, जैसे मान लीजिए आपका गेम बम बम सक्सेसफुल हो गया, तब ये लोग बोलेंगे भाई थोड़ा हमारे तरफ भी दे दो। और मतलब है इनका, आप लाइसेंस ले सकते हैं, प्रो लाइसेंस। प्रो लाइसेंस में ये रहेगा कि ये वाटर मार्किंग नहीं करेंगे। बहुत सारा मोबाइल गेम में आप देखते होंगे ये स्टार्ट होने टाइम यूनिटी 3D दिखा देता है, क्योंकि वो लोग प्रो लाइसेंस में नहीं लिए हैं। तो गेम इंजन बनाते हैं और गेम इंजन में ही कोडिंग की जाती है। सुनते हैं ना लोग कोड कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं गेम इंजन के अंदर, स्क्रिप्ट फाइल में छेड़खानी की जाती है। आप बिना गेम इंजन के भी बना सकते हैं, लेकिन उतना हाई लेवल का प्रोग्रामर बहुत कम ही लोग। और प्लस आज के टाइम में जितना कॉम्प्लिकेटेड गेम्स हो गए हैं, मतलब 50-50 घंटे का गेम प्ले होता है, 200 घंटे का गेम प्ले होता है, और मल्टीप्लेयर में तो छोड़ दीजिए, भावनाओं में बह जाते हैं, तो वो सब गेम इंजन से ही करना पड़ेगा। ये भी थैंकफुली फ्री है। तो मतलब अभी अगर आपके पास एक या दो लोग हैं या आप खूब टैलेंटेड हैं, तो जेन्युइनली आप एक 3D हाई लेवल का गेम बना सकते हैं। जैसे डूम हो गया, हेलो हो गया, ये सब बनाया जा सकता है। और आप तो मतलब जिस टाइम ये सब गेम बनाया गया था, उस टाइम आप बोलते हैं सबसे डिजाइनर जैसा कुछ चीज़ रहता, तो लोग बोलते हैं भैया चुप रहो, पैसा लो जितना चाहिए। तो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से वीडियो गेम बनाए जा सकता। हाँ, क्या वो गेम बनेगा, सक्सेसफुल होगा कि नहीं, वो आप पे है। अब बात करते हैं ये सब जो कर लिए, तो ऐसा नहीं कि काम खत्म हो गया। इसके बाद एक फाइनल स्टेप आता है जिसे हम लोग कहते हैं फाइनल डिलीवरी। फाइनल डिलीवरी में आप चूज़ करोगे कि आप इसे दिखाओगे कहाँ। जैसे आपने मोबाइल के लिए गेम बनाया तो कहाँ डालेंगे, एप्पल में ऐप स्टोर में डालेंगे तो वहाँ उनका लाइसेंसिंग वाइसेंसिंग वाला झमेला है, वो आपको सल्टाना पड़ेगा। गूगल में डालेंगे, गूगल का भी अलग से हुआ है, उसको झेलना पड़ेगा। फिर आप चाहें तो कंप्यूटर के लिए मान लीजिए बनाए हैं, स्टीम में दीजिए, कंप्यूटर में एक और गेम स्टोर मार्केट में आ रहा है अभी, एपिक स्टोर है। तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सीडी से भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डीवीडी से भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल वो उतना पॉपुलर नहीं। कंसोल में कारण से वो सब टिका हुआ है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन कंसोल में तो वो भी हटाया जा रहा है कि मतलब ऑप्टिकल ऑप्शनल हो जाएगा। तो जनरली हम लोग ऑनलाइन के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गेम बना लिया अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर इसके बाद मोनेटाइजेशन पे काम किया जाएगा और सर्वर मैनेजमेंट में। आजकल लगभग सारे के सारे गेम सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं, तो किसी को नेटवर्क एडमिन को बैठना पड़ता है कि ठीक है ये सारे सर्वर एक जगह पे आएंगे, गेम कैसे कंट्रोल किया जाएगा, गेम कैसे फिक्स किया जाएगा, सब चीज़ किया जाता है। मोनेटाइजेशन में होगा कि पैसा कहां से आएगा, पेपाल से आएगा कि मतलब पेमेंट गेटवे क्या होगा। जो माइक्रो ट्रांजेक्शन आजकल आप देखते हैं, जैसे कि बूम बीच में मुझे बहुत पसंद था, बूम बीच खेलता था, तो उसमें मैं पैसा नहीं खर्च कर रहा, लेकिन बहुत सारे और प्लेयर खर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको दिखाना तो पड़ेगा ना कि भैया आप मतलब $10 पे 100 कॉइन दे रहे हैं। तो ये सब का ट्रांजेक्शन करने के लिए मोनेटाइजेशन में बैठ के किसी को करना पड़ेगा, पेमेंट कहां से आ रहा है, कहां से कितना टैक्स कट रहा है। तो ये सब ऐसा नहीं कि बस बना लिए गेम और उसके बाद काम कर, ये सब पे भी टाइम देना पड़ता है। फिर जब ये सब हो गया, आपने मोनेटाइजेशन करके गेम कर लिया, अब आपका मेन फजीहत वाला काम शुरू होगा कि बग फिक्स करो, अपडेट डालो, DLC रिलीज करो, ये सब भी किया जाता है। तो समझिए गेम कभी खत्म आजकल नहीं होता है। आजकल वो ज़माना खत्म हो गया जो मारियो के टाइम में जमाना था, कॉन्ट्रा जो हम लोग खेलते थे उस टाइम, NES का जमाना जो था कि गेम बनाए, रिलीज किया, काम खत्म, वो अब नहीं होता है। अब मतलब गेम को खींचा जाता है, खींचते रहते हैं DLC और अपडेट दे दे के। कई सारे फ्री गेम तो मतलब ऐसे ही चलते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू कि क्या लगता है, कैसे किया जाता है गेम डेवलपमेंट को। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ में आया, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल गया होगा कि होता क्या है। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं उसे कहूँगा कमेंट लिखें, क्योंकि हर कमेंट जरूर देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।